अब हमने ठाना है शहर की हकीकत को दिखाना है। सपना है हमारा स्वच्छ और सुंदर बने धौलपुर। न चलेगा भ्रष्टाचार, न चलेगी लापरवाही। यही है फर्स्ट ट्रैक धौलपुर की जिम्मेदारी। क्या सच में हुआ है जमीनी विकास या सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं जिम्मेदार? क्या कहती है धौलपुर की जनता, क्या सोचता है धौलपुर का युवा? जिम्मेदार अब तो सुनिए जनता की आवाज फर्स्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण के साथ। वार्ड भ्रमण के प्रायोजक हैं 24/7 यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जो देगी आपको बीमारी के समय में अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी से छुटकारा। आपको घर पर ही मिलेगी थर्मामीटर से लेकर वेंटिलेटर तक की अस्पताल की सभी जरूरी सुविधाएं, और वो भी न्यूनतम चार्ज में। जरूरत पड़ने पर सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। पता ABM इंस्टीट्यूट, घंटाघर रोड, धौलपुर। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शारदे विद्यापीठ स्कूल गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कक्षा 1 से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, कला विज्ञान, वाणिज्य व कृषि विषय उपलब्ध। 9 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम का ट्यूशन फ्री। वार्ड 17 और 18 में कागजों में होते रहे हैं विकास कार्य। वार्ड भ्रमण अभियान के तहत आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 17 और 18 की जमीनी हकीकत। इन दोनों वार्डों में रहने वाली जन आबादी विकास कार्यों को लेकर उपेक्षा का शिकार हो रही है। हालांकि वार्ड में अब तक कई पार्षद हुए और तय समय को पास कर निकल गए। इस दोनों वार्डों में आज तक जितने भी पार्षद हुए, सभी ने सिर्फ कागजों में ही वार्ड के विकास को दर्शाया है। धरातल पर जाकर इन वार्डों की अगर स्थिति देखी जाए तो बेहद दयनीय है। धौलपुर शहर के सागरपाड़ा चौकी के दोनों तरफ बसने वाली आबादी नंबर वार्ड 17 में शुमार है। इस वार्ड के अंदर मुस्लिम बस्ती सागरपाड़ा, लोहार बस्ती सागरपाड़ा, राजघाट, चंबल नदी से सटा वरकापुरा, चंबल के पास मोरोली रोड, मुरारी सरपंच के मकान के पीछे का पुरा, तलासी बस्ती, GT रोड, ईदगाह, REC वारूद फैक्ट्री तक दाएं तरफ की आबादी का क्षेत्र वार्ड संख्या 17 में शुमार है। उल्लेखनीय है कि इस वार्ड में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के ईष्ट विराजमान हैं। इस वार्ड में ऐतिहासिक शेरगढ़ किले पर 1532 ईस्वी का प्राचीन हनुमान मंदिर व मजार स्थित है। साथ ही बात करें हम वार्ड नंबर 18 के परिसीमन क्षेत्र की, तो इसके अंतर्गत चंबल नदी से सटी आदि मुस्लिम बस्ती, जाटव बस्ती, निषाद बस्ती, हॉस्पिटल के पास नई आबादी, GT रोड स्थित मुन्ना के भट्टों से करीब 700 मीटर आगे तक की आबादी वार्ड 18 में शुमार है। जानकारी के अनुसार वार्ड 17 की आबादी लगभग 4500 है और वोटर आबादी लगभग 1100 है। यह आबादी पूर्ण में वार्ड 15 में शामिल थी, जिस समय यहां के पार्षद अमित सागर थे, लेकिन इस बार जनता ने यहाँ से कांग्रेस के फारूक को पार्षद बनाया है। बात करें अगर वार्ड 18 की, तो यहाँ जन आबादी लगभग 7000 है और वोटर आबादी लगभग 1200 है। इस वार्ड की जन आबादी भी पूर्व में वार्ड 15 में शुमार थी, लेकिन अब नए परिसीमन में इस वार्ड आबादी को 18 में जोड़ दिया है। नए परिसीमन के बाद इस वार्ड में पार्षद का चुनाव हुआ, जिसमें बसपा से बलबीर और कांग्रेस से अनिल कुमार ने चुनाव लड़ा। लेकिन देखने की बात यह है कि इस वार्ड में BJP का कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया, तो कांग्रेस के अनिल कुमार ने चुनाव जीता। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ चंबल से सटी आबादी इन दोनों वार्डों में शुमार है, लेकिन यहाँ आज तक जितने भी पार्षद हुए, किसी ने यहाँ के हालातों में सुधार नहीं किया। दोनों वार्डों की छोटी छोटी गलियों से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। सीवर और जलभराव के साथ कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान आज तक कोई पार्षद नहीं कर पाया है। कुछ लोगों का कहना है कि वार्ड 17 में मौजूदा पार्षद वार्ड के विकास कार्यों का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि कब तक वार्ड का विकास हो पाएगा। ऐसी ही स्थिति वार्ड 18 में देखने को मिली। यहां के पार्षद का कहना है कि यहां जो भी पार्षद हुए, कोई भी वार्ड की तरफ देखने तक नहीं आया। यहाँ के लोगों के लिए पेयजल की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ इस वार्ड में सिर्फ एक कुआ है, जिससे वार्ड के लोग पानी की पूर्ति करते हैं। इन समस्याओं को लेकर सुनिए पार्षद और वार्ड के लोगों की जुबानी, वार्ड के जमीनी हालात की कहानी। मेरा सहयादी और 17 नंबर वार्ड। वार्ड में क्या क्या समस्या है जी? नाली और ये ऐसी डलिए, सफाई चाहिए।
अच्छा हाँ, पहले पार्षद ने कुछ नहीं करवाया? पार्षद ने पहले भी कुछ नहीं करवाया, अब भी कुछ नहीं, अब हो जाए तो सही हो जाए। अच्छा अब हाँ। पार्षद अब जो पार्षद है वो क्या कहता है? वो तो करवाने को तैयार बैठा है। तो फिर करवाया क्यों नहीं है? तो करवाएगा, जो कह रहा है वो सिविल लाइन डल रही है, सिविल लाइन डल रही है, उसके चक्कर में रोक दिया है। हाँ इसलिए रोक दिया उसको। नाम बताओ। नाम मेरा सादिर, वार्ड नंबर 17। समस्या ये है कि नाली खूब भरी है यहाँ और घूरे बड़े पड़े हैं और तुम्हारी सड़क ऐसी ये पड़ी है, नाली कचरा मच्छर बच्छर मतलब ये है। पार्षद क्या कर रहे हैं तुम्हारे? तो बहुत वो कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं मगर सुनवाई नहीं हो रही उनकी तो। अच्छा हाँ, तो पहले पार्षद ने क्या किया है? पहले उन्होंने कुछ नहीं भी किया। अच्छा हाँ, तो अब कीजिए, वो कह रहे हैं तो सुनवाई नहीं हो रही उनकी। बोलो नाम। मेरा नाम आबिद खान और वार्ड नंबर 17 से मैं बोल रहा हूँ कि हमारे वार्ड में ये गंदगी ज़्यादा है और ये हमारे रोड वोड ये साफ सफाई नहीं हो पाती है। हम अपने सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे वार्ड में जो जो भी ये समस्या है वो पूरी। तो वार्ड मेंबर क्या करा रहे हैं आपके? वार्ड मेंबर तो हमारे ये बढ़िया काम करा रहे हैं। जो पहले वार्ड मेंबर आए थे उन्होंने कोई काम नहीं कराया था, और ये है कि आप हमारे जो वार्ड मेंबर आए हैं उन्होंने अच्छा काम कराया है। मैं फारूक, वार्ड नंबर 17, सागरपाड़ा, दौलपुर। अच्छा, आपके वार्ड में अभी तक आपके कार्यकाल में कितना विकास हो? अभी तो जो गंदगी हो रही है बारिश से, रास्ते खराब हैं, उनमें मरम का काम हो गया है, मिट्टी डल गई है, बाकी की कार्य भी चालू हैं, तो जल्द से जल्द जो भी काम है वो सारे काम हों। तो वार्ड की अपनी ज़रूरतें क्या क्या हैं? वार्ड की ज़रूरत है कि रोड है, पानी की समस्या है, यही समस्याएं और ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो आगामी योजना आपकी क्या है वार्ड के प्रति? वार्ड के यही है कि पहले ये हमारे सागरपाड़े में सिविल लाइन नहीं है, पहले तो सिविल लाइन का काम कराना है इसमें, और जहाँ रोड नहीं है, कच्ची से रास्ते पड़े हुए हैं, उन्होंने रास्ते डल सीसी रोड डलवानी है, और पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था करवानी है। जो भी समस्याएं हैं सारी समस्याओं को धीरे धीरे सारे काम करवाना है। वार्ड के जो पूर्व पार्षद थे उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अब उसमें क्या बताएं आप? नहीं, आप जैसे आप देखते हो यहाँ, उसमें तो कोई कार्य हुए ही नहीं है ये मान लो। अच्छा, उस पीरियड में तो 5 साल के अंदर। और अभी सभापति से आपको सहयोग कितना मिल रहा है? सभापति से पूरा सहयोग मिल रहा है हमको, आयुक्त साहब से भी मिल रहा है, कोई काम की ज़रूरत पड़ती है तो सारे काम होते हैं। ठीक है। मेरा नाम महेश चंद है, मैं वार्ड नंबर 18 से अनिल कुमार पार्षद का प्रतिनिधि हूँ। मेरा नाम महेश चंद है। आपके वार्ड में आपके कार्यकाल में अभी तक क्या विकास थोड़ा बहुत हो पाया है? मेरे वार्ड में अभी कुछ नहीं है, 15-16 लाट मिली हुई हैं, वो लगा रखी हैं, उसके बाद अभी ना तो कोई काम नहीं हुआ। आपके आगामी योजना वार्ड के प्रति क्या क्या है? मेरी आगामी योजना के सबसे पहले तो मेरी वार्ड के अंदर आम जनता को पानी की बहुत बड़ी समस्या है, वो पानी का मुहैया कराया जाए दूसरे नंबर, और बाढ़ के लिए पट्टे दिलवाए जाएँ, जो कि पुश्तौनी जगह किसी पर कोई कागज़ नहीं है, जैसे सरकार को आवास योजना वगैरह या कोई भी आती है तो बगैर कागज़ के कोई उनको लाभ नहीं मिलता। बाकी पार्षद से आपको कितना सहयोग मिल रहा है? पार्षद तो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार से मदद तो मिले, अभी सरकार से ऐसी कोई मदद नहीं, ना कोई अनुशासन मिला जिससे खरंजा या पानी या पट्टे अनुशासन दे रखा है, लेकिन काम कोई नहीं हुआ। और जो पूर्व पार्षद थे उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? पूर्व पार्षद ने कोई काम नहीं करवाया, ना तो अच्छी तरह से वो शिक्षित था और ना ही उसको कोई जानकारी थी। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन